जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, भीतीन आम तुझी मुळीही गडगडणाऱ्या नभा, आसमानीच्या सुलतानीला जवाब दे तुझी भा, सह्याद्रीचा सिंह गरजत शिवशंभू राजा, दरी दरी तुल नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, काळ्या छाती भरी कोरली अभिमानाची लेणी, पोलादी मन गटे खेळती खेळ जीव घेणी, दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला निगळाच्या घामाने भिजला, देश गौरवा साठी झिजला साठी झिजला साठी झिजला, देश गौरवा साठी झिजला, दिल्लीचे ही तख्त राखी तो महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। आपले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डाजींचं स्वागत। लोडा फाउंडेशन जे हिरोज ऑफ मुंबई आणि हे बनवण्याचं जे कार्य केलं अशा म्हणजे मॅडम लोडाजींना मी विनंती करेन की त्यांनी त्यांचं स्वागत करायचं आहे। आज विश्वकर्मा जयंती आहे, ह्या पावन दिवशी विश्वकर्माजींची मूर्ती देऊन आपण नड्डाजींचं स्वागत केलं आहे। त्याचप्रमाणे आपले राष्ट्रीय महामंत्री श्री शिवप्रकाश जी यांचं स्वागत मी श्री मंगल प्रभात लोडाजींना सांगून की त्यांचं स्वागत करायचं आहे। मुंबई कमिश्नर श्री चेहल साहेब यांना मी विनंती करेन की आपले देवेंद्रजी यांचं स्वागत आपल्याला करायचं आहे। चेहल साहेब प्रदेशाध्यक्ष श्री बावनकुळेजी यांचं स्वागत आपले डीवॉर्स असिस्टंट कमिश्नर श्री शरद उगाडे जी करतील, मी त्यांना विनंती करेल की त्यांनी त्यांचं स्वागत करायचं आहे। मी मंगल प्रभात लोडाजी आणि आशिष श्री शेलार यांना विनंती करीन की मंचावर उपस्थित सर्व पदाधिकाऱ्यांचं स्वागत त्यांनी करायचं आहे। रणजित सावरकर जी यांचं स्वागत श्री मंगल प्रभात लोडाजी करतील, भीमराव आंबेडकर जी यांचं स्वागत मंगल प्रभात लोडाजी करतील, दिनेश जैन जी यांचं स्वागत, राहुल नार्वेकरांजींचं स्वागत झालेलं आहे, केसरकरांजींचं स्वागत झालेलं आहे। मी लोडाजींना विनंती करीन, मी लोडाजींना विनंती करेन की त्यांनी थोडक्यात प्रास्ताविक करायचं आहे। धन्यवाद। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष, सहजता सरलता तेजस्वीता ओजस्वीता का एक अनूठा संगम, और ऐसा ही अनूठा संगम आज इनके कारण मुंबई आज विश्व के अंदर विख्यात है। ऐसे मुंबई के हीरोज उन सब का यहाँ पर आज माननीय नड्डा जी के हाथ से उद्घाटन हुआ। माननीय देवेंद्र जी फडणवीस की उपस्थिति के अंदर, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस की प्रेरणा से हमने ये जगह महानगर पालिका के साथ में मिलकर इस तरीके से डेवलप की है, और आने वाले समय में ये न केवल एक टूरिस्ट केंद्र बनेगा बल्कि हजारों लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का कारण भी बनेगा। कोई व्यक्ति साधारण से असाधारण कैसा हो सकता है कि उसके जाने के 350 साल बाद भी छत्रपति शिवाजी महाराज का आज पुण्य प्रताप केवल भारत में नहीं सारी दुनिया के अंदर फैल रहा है। इन सब लोगों को प्रणाम करते हुए, मैं समय की मर्यादा को समझते हुए, माननीय हमारे सबके नेता माननीय देवेंद्र जी फडणवीस उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, उनसे निवेदन करूंगा कि वो हमें आशीर्वाद दें। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो।
आजच्या या प्रेरणा स्थळाच्या उद्घाटन प्रसंगी आपल्याला लाभलेले उद्घाटक भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, मंचावर उपस्थित सन्माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे जी, आशिष शेलार जी, ज्यांच्या मेहनतीतून या ठिकाणी हे कार्य उभं राहिलं ते मंगलप्रभात लोढाजी, या ठिकाणी उपस्थित असलेले मुंबईचे पालकमंत्री श्री दीपक केसरकर जी, आमचे विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जी, आमचे सहकारी चंद्रकांत दादा पाटील, माननीय शिवप्रकाश जी, श्री प्रवीण दरेकर जी, या ठिकाणी विशेष रूपाने उपस्थित असलेले श्री रणजित सावरकर जी, त्याचप्रमाणे विशेष रूपाने उपस्थित असलेले आदरणीय भीमराव आंबेडकर जी, या ठिकाणी उपस्थित असलेले विनीत जैन जी, सर्वच मंचावरील सर्व मान्यवर आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, आज अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की मंगलजींच्या संकल्पनेतून या ठिकाणी हे एक प्रकारचं स्मृती उद्यान किंवा प्रेरणास्थळ तयार झालंय की ज्या ठिकाणी ज्यांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली ते छत्रपती शिवराय देखील आहेत आणि ज्यांनी भारताला राज्यघटना दिली ते आपले भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर देखील आहेत, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले देखील आहेत, वीर सावरकर जी देखील आहेत, बाळासाहेब ठाकरे जी देखील आहेत, रामनाथ गोयंका जी, कवी कुसुमाग्रज, आपल्या गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर, जे आर डी टाटा, धीरूभाई अंबानी, दादासाहेब फाळके ज्यांनी मुंबईला आकार दिला ते नाना शंकरशेठ, त्याचप्रमाणे डॉक्टर होमी बाबा, बाबू गेनो, अशोक जैन जी, कोळी पुरुष जी आपली मूळ लोक आहेत, कोळी लोक की ज्यांनी खरी मुंबईची संस्कृती जपली, त्याचप्रमाणे शेठ मोतीशाह आणि यासोबत ज्यांना आपण लिव्हिंग लेजंड म्हणतो असे या ठिकाणी आपले सचिन तेंडुलकर जी देखील आहेत. मी या निमित्ताने मंगलप्रभात लोढाजींचं अभिनंदन करतो, आमचे महापालिकेचे आयुक्त श्री चहल यांचं देखील अभिनंदन करतो आणि त्याचसोबत मंजू लोढाजी ज्यांनी याच्याकरता लोढा फाउंडेशनच्या माध्यमातून मदत केली त्यांचं देखील अभिनंदन करतो आणि या सगळ्या महनीय व्यक्तींचे जे कोणी पारिवारिक लोक या ठिकाणी आले आहेत त्या सगळ्यांचं स्वागत करून मी पुन्हा एकदा या प्रेरणास्थळीमध्ये आपल्याला सगळ्यांना प्रेरणाच मिळेल अशा प्रकारचा विश्वास व्यक्त करतो आणि माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आपले देशातील सगळ्यात मोठी पार्टी भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डाजी यांना विनंती करेन की त्यांनी संबोधित करायचं. माइक माइक सर बोलिए. छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की. आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित श्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार, आशीष शेलार जी, हमारे मुंबई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढा जी, चंद्रकांत पाटिल जी, हमारे स्पीकर साहब राहुल नार्वेकर जी, विनीत जैन जी, अजीत सावरकर जी, सुरेंद्र जी और हमारे सभी सम्मानित सज्जन वृंद, मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ नेतृत्व और यहाँ इस हमारे उद्यान के श्री गणेश के अवसर पर एकत्र आए सभी देवी और सज्जनों और हमारे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, मैं अपनी बात को प्रारंभ हिंदवी स्वराज के संस्थापक
छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करके प्रारंभ करता हूं। भारत रत्न वीर भारत रत्न हमारे बीआर अंबेडकर जी को नमन करके याद करता हूं और वीर सावरकर जी को हम नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो मैं मंगल प्रभात लोढ़ा जी को इस कार्यक्रम के लिए आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम की रचना की। यह कार्यक्रम देखने में तो छोटा लगता है लेकिन इसकी योजना बड़ी है और इस योजना में एक दूरगामी प्रभाव यह देगा ऐसा मैं मानता हूं। यह जो उद्यान है जिसका लोकार्पण मुझे आज करने का सौभाग्य मिला, यह कुल मिलाकर के एक विचार को भी पैदा करता है। जिन लोगों ने मुंबई को एक नाम दिया, एक स्थान दिया, जिन लोगों ने मुंबई को भारत की आर्थिक कैपिटल के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान किया और इसके साथ साथ भारत में एक अपना स्थान भी बनाया, ऐसे हमारे महान आत्माओं को एक जगह पर याद करने का इस उद्यान ने जो लक्ष्य बनाया है उसके लिए मैं मंगल प्रभात लोढ़ा जी को बार बार साधुवाद देता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को किया। ये जो हीरोज ऑफ मुंबई हैं जिन्होंने भारत देश में अपना नाम कमाया और मुंबई को भी एक, जैसा मैंने कहा, फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में याद किया जाए, उसको उस तरीके से देखा जाए, इस कॉन्सेप्ट को भी उन्होंने एक जगह पर लाने का प्रयास किया है। 107 हमारी महान आत्माओं को याद करने का एक अवसर उन्होंने दिया है। इन सभी महान आत्माओं ने न ही सिर्फ मुंबई का गौरव, न ही सिर्फ महाराष्ट्र का गौरव, बल्कि देश का गौरव दुनिया में स्थापित करने में अपना योगदान किया है। ऐसे लोगों को, ऐसे आत्माओं को याद करने का अवसर हम सबको मिला है। मैं यही कहूंगा कि इस तरीके के कार्यक्रम, यह बड़ा विचार, थोड़ी जगह इसके लिए छोटी पड़ रही है। मैं चाहूंगा कि मंगल जी आगे कोई बड़ा स्थान भी देखें जहां इस विचार को और अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया जा सके और उसको आगे बढ़ाया जा सके, ताकि हमारे जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले हमारे नौजवान हैं, वो जान सकें कि समाज को जो आज उनको अर्जित है, जो आज उनको मिला है, वो किसी के कठोर परिश्रम के कारण मिला है और उन लोगों के तप के कारण मिला है, यह बात की जानकारी होनी चाहिए। और ये संभव तभी है जब हम इन महान आत्माओं की स्टैचू लगाकर उनके जीवनी के बारे में, उनके द्वारा किए गए पराक्रम के बारे में जब हम लिखित रूप में रखेंगे तो हमारा नौजवान भी उससे प्रभावित होगा। और ये उद्यान है तो मन प्रफुल्लित होने का तो वातावरण बनता ही है, लेकिन प्रफुल्लित होने के साथ साथ वह उज्ज्वलित भी हो, इसकी जो आपने रचना की है इसके लिए पुनः आपको मैं बधाई देता हूं। मैं इस कार्यक्रम में आने का मुझे सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं आयोजकों को बधाई देता हूं और मैं परिवारजनों को भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं, जो उन महान आत्माओं के परिवार से आए, उन्होंने अपने आप को इसमें जोड़ा, इसमें शामिल किया और उनके भी प्रेरणा से हम सब लोग इस कार्य को कर पाए हैं, इसके लिए उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और हम सब लोग मिलकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत इसको आगे बढ़ाएंगे। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे को जो लक्ष्य दिया है, वह लक्ष्य एक विकसित भारत बनाने का, उसका संकल्प को हम पूरा करने में पूरा योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।